नमस्कार, मेरा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आज का मॉर्निंग शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ रीजनिंग एंड मैथ्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इसी टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते। सामने एक क्वेश्चन है, यह पर देखिए एक ट्रायंगल है, इसका एक बाहु है 7 सेंटीमीटर, दूसरा बाहु है 5 सेंटीमीटर और तीसरा है 10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या है वो पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी यहाँ पर एस क्या है, एस है यहाँ पर, एस होता है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों बाहु को जोड़ना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब पेरीमीटर का हाफ है एस। ठीक है, समझ में आ रहा है। इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पर 7 + 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पर 15 + 7 = 22 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 11 हो जाएगा। एस का मतलब यहाँ पर 11 है। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे, रूट ओवर 11 इंटू 11 माइनस ए, मतलब यहाँ पर ए को हम 7 पकड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद एस माइनस बी, मतलब 11 माइनस यहाँ पर बी मतलब 5। ठीक है, उसके बाद 11 माइनस सी मतलब यहाँ पर 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इजिकल टू स्क्वायर रूट के अंदर देखिए 11 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे पहले, मतलब 2 × 2 × यहाँ पर 2 × 3 × 1। ठीक है, दो के लिए एक दो बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा और कुछ नहीं बाहर निकलेगा, मतलब 2 रूट ओवर यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 × 2 × 3 = 6 × 11 = 66, मतलब 2√66 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2√66 cm² यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 2√66 cm². ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दो नंबर का रेशियो है 5:7 और उन दोनों नंबर का एचसीएफ है 17। तो यहाँ पर वो दोनों नंबर क्या है वो पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए रेशियो के साथ अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया जाए वो नंबर मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 × 17 कर देंगे और यहाँ पर दूसरा नंबर हो जाएगा 7 × 17। ठीक है, तो 5 × 17 = 85 और 7 × 17 = यहाँ पर हो जाएगा 119। ठीक है, तो मतलब 85 और 119 यहाँ पर वो दोनों नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति अगर एक आर्टिकल को 1148 रुपीज़ में सेल करता है तो उसका 30% लॉस होता है, मतलब इसके अंदर ही यहाँ पर 30% लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस आर्टिकल को कितना रुपये में सेल करना पड़ेगा जिससे कि उसका 5% प्रॉफिट है। देखिए मतलब यहाँ पर 5% प्रॉफिट करने के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 1148 रुपीज़ में अगर सेल करेगा तो उसके अंदर 30% यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, तो मतलब 30% लॉस का मतलब क्या है, 30% लॉस का मतलब होता है, लॉस का मतलब होता है कितना है, देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर 70 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे पहले, कॉस्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पर 105% प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 70। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 100। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100 को ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर सेलिंग प्राइस को नीचे लिख देंगे 70। ठीक है, कितना रुपये के अंदर, यहाँ पर 1148 रुपये के अंदर। ठीक है, ये हो गया उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अभी देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस आर्टिकल को कितना रुपये में सेल करना पड़ेगा जिससे उसका 5% प्रॉफिट हो। तो मतलब यहाँ पर देखिए 5% प्रॉफिट का मतलब है 105 है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस चाहिए मुझे, तो इसलिए 105 ऊपर लिख देंगे, 100 नीचे लिख देंगे, 100 कट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर कटेंगे, यहाँ पर 14 से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 14 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 80 और 82। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 से काटेगा 21 हो जाएगा, तो 21 × 82 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21 के साथ 82 मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 17। तो मतलब 1722 रुपया में उस आर्टिकल को अगर सेल करेगा तो उसका 5% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि कोहली का एज रोहित का एज से 3 साल कम है, ठीक है। तो मतलब कोहली रोहित से यहाँ पर 3 साल का छोटा है, और बोला गया है कि उन दोनों का एज का रेशियो अगर 7:8 है तो यहाँ पर रोहित का एज क्या है वो पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर रेशियो में देखिए, कोहली का एज का रेशियो रोहित का एज का रेशियो से कितना कम है, यहाँ पर 1 भाग कम है, ठीक है। तो ये 1 भाग का मतलब यहाँ पर, 1 भाग का मतलब यहाँ पर 3 ईयर्स है, ठीक है। रोहित का एज पूछा गया है, तो रोहित का एज कितना भाग, 8 भाग। तो 8 भाग का मतलब क्या हो जाएगा, 8 × 3 काट देना है, 8 × 3 इज इक्वल टू 24 ईयर्स। तो मतलब 24 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पर रोहित का प्रेजेंट एज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक नंबर सीरीज है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये नंबर्स का अंदर रिलेशन को समझना है। पहले देखिए 3 से 5 और 5 के बाद यहाँ पर 15, तो मतलब देखिए 3 × 3 × अगर 5 करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 × अगर 15 करेंगे तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 75। अभी इसको भी मैच कराना है, मतलब यहाँ पर 75 × 15 काट देना है, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 11, मतलब 1125 आ जाएगा। देखिए 1125 है, तो मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा 75, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक नंबर सीरीज है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखिए सबसे पहले 20 है, उसके बाद 45 है, 20 से 45 कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर देखिए +25 इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 45 से 65 यहाँ पर देखिए 20 इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 65 से यहाँ पर 90, यहाँ पर भी +25 इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर भी एक रिलेशन है, 25 पहले, उसके बाद 20, उसके बाद फिर से 25, उसके बाद अभी +20 इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब 90 + 20 इज इक्वल टू यहाँ पर 110 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर पहला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयड, यहाँ पर दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रूरल, और यहाँ पर ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एडुकेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना ऐसा एडुकेटेड पीपल है जो एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले ये जो ट्रायंगल के अंदर और यहाँ पर जो ये सर्कल है, ये सर्कल के अंदर मतलब एम्प्लॉयड सर्कल के अंदर जितना भी नंबर कॉमन होगा वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक नंबर देखिए 12 है और एक नंबर देखिए 6 है, लेकिन ये 6 देखिए यहाँ पर रूरल के अंदर भी है, तो लेकिन ये भी होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है एडुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, यहाँ पर रूरल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मतलब यहाँ पर 12 + यहाँ पर 6 अगर कर देंगे तो यहाँ पर 18 ऐसा पीपल होगा जो एडुकेटेड पीपल एंड एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 18 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति ए पॉइंट से यात्रा शुरू किया है नॉर्थ की तरफ 20 मीटर, ठीक है। तो मतलब ये अगर ए पॉइंट है, यहाँ से यात्रा शुरू किया है नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो टर्न लिया है लेफ्ट टर्न, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड पे टर्न लिया है एंड 40 मीटर गया है लेफ्ट साइड में, मतलब ये साइड हो जाएगा लेफ्ट, ये साइड पे अगर उसका फेस है तो उसका लेफ्ट कौन सा साइड हो जाएगा, यहाँ पर ये साइड हो जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। ये साइड में कितना डिस्टेंस गया है, 40 मीटर, तो इसको 40 मीटर लिख देंगे यहाँ पर। अभी देखिए उसके बाद बोला गया है कि अगेन वो टर्न लिया है लेफ्ट साइड में, ठीक है, और गया है 20 मीटर, तो लेफ्ट साइड मतलब ये साइड पे अगर उसका फेस होगा ये साइड पे तो उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ, ठीक है, फिर से वो 20 मीटर गया है, ठीक है, और उसके बाद बी पॉइंट में पहुंचा है, मतलब ये बी पॉइंट है। तो अभी यहाँ पर ए एंड बी पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना है वो पूछा गया है, बहुत ही आसान है। देखिए ये पर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये पर ऊपर में जो डिस्टेंस था 40, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 40 मीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा अगले शिफ्ट का क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखाने का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।